ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम के इस कार्यक्रम में आना पूरे कई पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में खुशी की बात है। मुझे विश्वास है कि यहाँ भारत के ब्राइट फ्यूचर को लेकर बेहतरीन संवाद हुए होंगे, और ये संवाद तब हुए जब भारत को लेकर पूरा विश्व एक विश्वास से भरा हुआ था। आज भारत आज एक अलग ही सक्सेस स्टोरी लिख रहा। भारत में अपने रिफॉर्म्स का असर अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में देखा है। यहाँ तक कि भारत ने कई बार प्रेडिक्शन से भी अपने पीयर से भी बेटर परफॉर्म किया। जैसे पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है। ये सस्टेंड ग्रोथ है जो हमने हासिल की है, ये वो सस्टेंड ग्रोथ है जिसका हम वादा करते हैं, और ये वो सस्टेंड ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहेगा। ये था पीएम मोदी जी का संबोधन। किम्स ने जो सफलता हासिल की है वो तो अभूतपूर्व है। साथियों, गुलामी के कालखंड से पहले भारत की समृद्धि का बहुत बड़ा आधार हमारी ज्ञान परंपरा थी, हमारा नॉलेज सिस्टम था। ये विकसित भारत का भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है। हम में से कौन नहीं चाहेगा कि भारत स्किल, नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन का हब बने। इसके लिए सरकार इंडस्ट्री और एकेडेमिया को पार्टनर बना रही है। इस साल के बजट में भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। 1,00,000 करोड़ रुपए के रिसर्च फंड के पीछे भी हमारी यही सोच है। आज देश का प्रयास है कि टॉप विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस भारत में खुले। हमारे जो मिडिल क्लास के बच्चे बाहर पढ़ने में इतना पैसा खर्च करते हैं, हम चाहते हैं उनका वो पैसा बचे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आजादी के बाद के 7 दशक तक भारत में एमबीबीएस एमडी की सीट्स 80,000 के आसपास रही, और इसलिए ही तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे बच्चे विदेश जाने के लिए मजबूर थे। पिछले 10 साल में देश में हमने एमबीबीएस एमडी की करीब 1,00,000 नई सीटें और बढ़ाई है। आज देश में एमबीबीएस एमडी की 1,80,000 से ज्यादा सीटें हो गई है। और मैंने इस बार अभी 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया है, अगले 5 साल में भारत में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें और जोड़ी जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस का बहुत बड़ा अहम सेंटर बनेगा। साथियों, आज भारत की एक और बड़ी एम्बिशन है। ये एम्बिशन देश को ग्लोबल फूड बास्केट बनाने की है। दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड प्रोडक्ट हो, ये देश का संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम कई सारे काम एक साथ कर रहे हैं। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारे सी फूड, इनकी क्वालिटी पर जोर है। आपने देखा है पिछले साल पूरे विश्व ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया। किसकी पहल पर? भारत की पहल पर हुआ। दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? हिंदुस्तान है। और ये मिलेट्स सुपर फूड है। ये प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं, प्रगति के लिए भी अच्छे हैं। मुझे खुशी है कि आज भारत दुनिया के टॉप फूड ब्रांड्स में जगह बना रहा है। साथियों, विकसित भारत का एक
और मजबूत पिलर ग्रीन एनर्जी का सेक्टर होने वाला है। आपने G20 में भारत की सफलता देखी है, भारत के ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को सभी देशों ने सपोर्ट किया। भारत ने तय किया है कि 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने की कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का है। साथियों, बीते वर्षों में टेक्नोलॉजी ने हमारे ग्रोथ को गति दी है। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ टूरिज्म भी भारत की ग्रोथ का एक स्ट्रांग पिलर बनेगा। दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए, हर सेगमेंट के टूरिस्ट के लिए भारत टॉप डेस्टिनेशन हो, ये प्रयास आज देश कर रहा है। आज भारत में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। हमारे जो बीचेज हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है। और इस समय तो देश में एक यूनिक अभियान भी चल रहा है, देखो अपना देश। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस, इसमें भारत के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट बनाने के लिए वोटिंग कराई जा रही है, नागरिक वोट कर रहे हैं। जिन जगहों को भारत के लोग टॉप डेस्टिनेशन मानेंगे, उन टूरिस्ट प्लेसेस को मिशन मोड में डेवलप किया जाएगा। और इससे भी बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। साथियों, आज हमारा देश परिवर्तन में सबकी भागीदारी पर जोर दे रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान हमने अपने अफ्रीकन फ्रेंड्स को सशक्त करने में मदद की, हमने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई। अब हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जो सभी देशों, खासकर ग्लोबल साउथ का इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करे। आने वाले समय में ग्लोबल साउथ के देशों के पास विश्व की सबसे बड़ी संभावनाएं होगी। पूरी ह्यूमैनिटी का एक बड़ा हिस्सा इन देशों में बसता है, और भारत विश्व बंधु की भावना से इन देशों की आवाज बन रहा है। साथियों, आज की दुनिया डायनेमिक है, इसलिए हमारी सरकार की नीतियां और रणनीतियां भी डायनेमिक है। हर जरूरत के हिसाब से हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। हम अपनी पॉलिसी बीते कल के आधार पर नहीं, बल्कि आने वाले कल को देखते हुए बना रहे हैं। हमारा फोकस फ्यूचर पर है। हम आने वाले कल की चुनौतियों और अवसरों के लिए देश को आज तैयार कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, क्वांटम मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, डीप ओशन मिशन हो, इन पर भारत अभी काम कर रहा है। अभी आपने देखा है, सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। आज का भारत अवसरों की धरती है। हमारा विश्वास है भारत का फ्यूचर इससे कहीं बेहतर होने वाला है।
साथियों, हमने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हम जानते हैं आप भी देश की इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां ग्लोबल ब्रांड बने। हम चाहते हैं भारत दुनिया के हर सेक्टर में लीडर बने। हमारा वादा है हम फैसिलिटेट करेंगे। आप वादा करिए, आप इनोवेट करेंगे। हमारा वादा है हम रिफॉर्म करेंगे। आप वादा करिए, आप परफॉर्म करेंगे। हमारा वादा है हम स्टेबल पॉलिसी रिजिम देंगे। आप वादा करिए, आप पॉजिटिव डिसरप्शन करेंगे। हमारा वादा है हम हाई ग्रोथ पर ध्यान देंगे। आप वादा करिए, आप हाई क्वालिटी पर ध्यान देंगे। बड़ा सोचिए, देश के लिए सफलता की बहुत सी गाथाएं हमें मिलकर के लिखनी है। आज का भारत दुनिया में संभावनाओं की सबसे बड़ी धरती है। आज का भारत वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करता है। एक मजबूत भारत पूरी मानवता का बहुत बड़ा विकास कर सकता है। एक समृद्ध भारत पूरे विश्व की समृद्धि का रास्ता बना सकता है। हमें इनोवेशन, इंक्लूजन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के मंत्र याद रखने हैं। मैं देश और देश के बाहर रहने वाले हर भारतीय से कहूंगा, भारत के हर सामर्थ्य से कहूंगा, आइए इस यात्रा में हम सब मिलकर के एक साथ चलें। आइए भारत को विकसित बनाएं, क्योंकि भारत की समृद्धि में ही दुनिया की समृद्धि है। और मुझे विश्वास है हम ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।